हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स मैडी जोड़ी सा। आज मैं डिस्कशन करूंगा हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क इन फिजिक्स पेपर इन ओयूटी 2019, जो कि यूजी का एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर में, जो ओडिशा में है। तो टोटल मार्क जानते हैं कि अब 50 मार्क रहता है, और कुछ लोगों ने बताया कि सर इस बार सिलेबस 66 ऐसे 66 में फिजिक्स 66 फिजिक्स 68 मैथमेटिक्स आ सकता है, लेकिन ये गलत है। इस बार 50 मार्क फिजिक्स, 50 मार्क केमिस्ट्री और बायो मैथ में 50-50 चॉइस कर सकते हैं, और मेंटल एबिलिटी में 50 मार्क, 200 मार्क का एग्जाम होगा और नेगेटिव मार्क नहीं है। तो याद रखिए कि 50 मार्क का ही फिजिक्स का एग्जाम रहेगा पेपर, उसके बाद केमिस्ट्री 50, मैथमेटिक्स और बायो में चूज कर सकते हैं 50, और मेंटल एबिलिटी रहता है 50 मार्क। टोटल 200 मार्क एग्जाम होता है। तो फिजिक्स पेपर में जो सिलेबस है था, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड्स ये है, कम्युनिकेशन सिस्टम ये, फिजिक्स एंड मेजरमेंट, वर्क एनर्जी पावर, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसके बाद ऑसिलेशंस एंड वेव्स, रोटेशनल एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑप्टिक्स है, और एटम्स न्यूक्लियाई है एक्सपेरिमेंटल्स के लिए। तो इस बार 2018 का जो एग्जाम पेपर में देखा कि इस बार एग्जाम पेपर में वर्क एनर्जी में 3-4 प्रॉब्लम थे, बेसिकली ऑसिलेशन में 2-3 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम थे, रोटेशनल में 1-2 प्रॉब्लम थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 4 प्रॉब्लम, एसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में 2 प्रॉब्लम, ऑप्टिक्स में ऐसे 4 प्रॉब्लम, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल के लिए में 2 प्रॉब्लम, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये में ज़्यादातर प्रॉब्लम 8 प्रॉब्लम थे, और फिजिक्स जो है फिजिक्स मेजरमेंट इसमें से 5-2 क्वेश्चन थे, कम्युनिकेशन सिस्टम में 2 क्वेश्चन थे, और ड्यूअल नेचर काइनेटिक थ्योरी गैसेस में 4-5 क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही डिवाइड हुआ था, लेकिन मैं ज़्यादातर देख चुका हूँ कि ऑप्टिक्स और ये जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स पेपर, इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसमें, और वर्क एनर्जी और फिजिकल मेजरमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम किस पार्ट में ज़्यादा हम करें अपना प्रिपरेशन, तो ज़्यादा मार्क ला सकते हैं। चलिए देखते हैं जो कि मैं प्रीवियस पेपर में एनालिसिस किया था कि 2018-17-16 में बहुत सारे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, मिरर और में आ रहा है क्वेश्चन, और पावर ऑफ लेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टाइम आता है। जानते हैं कि पावर ऑफ लेंस पी इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ होता है, ये मीटर में होता है, और पी इक्वल टू 100 ओपन एफ सेंटीमीटर में होता है, और मिरर फॉर्मूला जानते हैं 1/V - 1/R ये होता है लेंस फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है, मिरर में 1/V + 1/U - 1/R होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखे जाए, V is the image distance, U is the object distance करके 1/R को लिख सकते हैं 1/F, ठीक है, फोकल लेंथ 1/F लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर और लेंस का फॉर्मूला और पावर ऑफ लेंस बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं, और पिछले साल भी 2-3-4 साल में आ चुके हैं, तो इस साल आने का बहुत ही चांसेस है। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पावर में तो हर टाइम क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिक बॉल जो इतना वाट लेके इतना बॉल दे रहा है और उसका करंट पूछा हो सकता है, और इलेक्ट्रिक बॉल का भी पावर पूछा हो सकता है वाट में, तो ये तो हर टाइम 2 क्वेश्चन इधर में आते हैं, तो दोनों क्वेश्चन स्टाइन आने के भी चांसेस है। उसके बाद वर्क एनर्जी W जानते हैं, W इक्वल टू F.S डिस्प्लेसमेंट फोर्स दिया होगा, वर्क पूछा जा सकता है, एनर्जी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्वेश्चन आ सकता है, हीट एनर्जी जानते हैं, H = I² RT, R इज द रेजिस्टेंस, T इज द टाइम, I इज द करंट, ऐसे करके हम एनर्जी हीट एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक में मिलाकर 5-6 क्वेश्चन आने की चांसेस है, तो आप इधर में करके जाइए और फॉर्मूला को याद रख के जाइए, और जो आपको CHSE का जो बुक है उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन आप कैसे आते हैं, जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन कितना होता है, 0 होता है, ब्रिंग द चार्जेस इन पॉइंट टू दैट पॉइंट, परपेंडिकुलर लाइन पे 0 होता है, तो इस बार CHSE में आया था, इस बार आने का बहुत ही चांसेस है। गॉसेस लॉ अप्लाई होता है, गॉसेस लॉ का क्वेश्चन आता है, जानते हैं कि फाई बी होता है, फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए भी लिख सकते हैं, और फाई ई को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को
e.a में लिख सकते हैं, तो ये याद रख के जाइए, गॉसेस लॉ होता है e.ds इंटीग्रेशन ओवर e.ds, q/ε0 होता है, ये याद रख के जाइए, q/ε0 होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गॉसेस लॉ का अप्लाई पूछा सकता है, ये सरफेस इंटीग्रल होता है और उसका वैल्यू q/ε0 आता है। उसके बाद रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का जो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आएगा इधर में, इंपॉर्टेंट है, तो आने का बहुत चांसेस है, 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं। मैंने एक वीडियो डाला था रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल का, जाकर देखिए और समझिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटेंस एंड डिपेंडेंस इन डिस्टेंस जो क्वेश्चन है, सी कोल्ड एप्सिलॉन अपन डी जो इस बार CHSE में आया था, तो वो सॉल्व कर चुका हूँ, मैंने वीडियो डाला है, तो देख के जाइए कैपेसिटेंस एंड डिपेंडेंस इन डिस्टेंस में कैसे डिपेंडेंसी रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, F=QE होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है, एफ और क्यू बता चुके हैं हम, दिया होगा तो क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है 2-4, तो इसमें से 5 आने का क्वेश्चन चांसेस है इस सब्जेक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करके जाइए। चलिए देखते हैं अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एंगल बिटवीन ई एंड बी पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंगल बिटवीन 90 डिग्री होता है, इस बार आया था, सीसीएस में पूछा जा सकता है। कोई इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि 4-5 वेव्स दिया होगा, जैसे कि रेडियो वेव्स दिया होगा, माइक्रो वेव्स दिया होगा, गामा वेव्स दिया होगा, कैथोड रेज दिया होगा, तो कौन सा पूछा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जानते हैं कैथोड रेज नॉट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वही मार्क करने आया था। एक्सरेज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, याद रखे जाए, गामा रेज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद रेडिएशन में क्वेश्चन आते हैं, रेडिएशन में पूछा जाता है क्वेश्चन, अल्फा डीके और बीटा डीके में क्वेश्चन आता है, तो डीके में भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो 2 क्वेश्चन इधर में आ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हर साल क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस बार क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस में आया था, दैट इज माइनस एल DIdt, चेंज इन करंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस VL, तो ये करके हम जाइए, माई नेगेटिव साइन को ओमिट कीजिए और पोटेंशियल को पॉजिटिव में लेके हम आंसर बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में टोटल मिलाकर 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट में सारे क्वेश्चन करके जाइए, आपके लिए इजी होगा। अभी चलते हैं काइनेटिक थ्योरी गैसेस और थर्मोडायनामिक्स में क्वेश्चन देखते हैं। तो काइनेटिक एंड थ्योरी ऑफ गैसेस में क्वेश्चन आते हैं, मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक गैसेस में क्वेश्चन आते हैं काइनेटिक थ्योरी में, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स स्टीफेंस लॉ से, रेडिएशन एनर्जी इक्वल प्रोपोर्शनल टू T^4 होता है, टी समथिंग चेंज होगा तो T^4 के हिसाब से चेंज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख के जाइए। उसके बाद कार्नोट साइकिल में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कार्नोट साइकिल में एफिशिएंसी पूछा सकता है, एफिशिएंसी इक्वल टू 1-T2/T1, T1 इज द सोर्स टेम्परेचर और T2 इज द सिंक टेम्परेचर, तो 1-T2/T1 करने से हमको एफिशिएंसी मिल सकता है। उसके बाद पैसिफिक हीट में क्वेश्चन पूछ सकता है, पैसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, पैसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू R होता है, CP/Cv इक्वल टू गामा होता है, और गामा कांस्टेंट बोलते हैं, तो CP/Cv R से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और पैसिफिक हीट में ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस, और इस टॉपिक में ज़्यादातर मिलाकर 4-5 क्वेश्चन आने की चांसेस है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब करके जाइए और याद रख के जाइए, तो बहुत ही होशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम में PN जंक्शन का आने का बहुत ही चांसेस है। उसके बाद जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके जाइए, ये सारे क्वेश्चन आने के बहुत ही चांसेस है। तो ये था हमारा फिजिक्स का डिस्कशन, अब टोटल 50 से 25 क्वेश्चन करके जाइए, और 20 से 30 क्वेश्चन आपका इजीली कर सकते हैं, इस पार्ट में सब आ जाएंगे, और जो भी पार्ट बच गया तो आप उसमें से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आते देख के जाइए। उसके बाद ग्रेविटेशनल में 2 क्वेश्चन आता है, और स्मॉल जी कैसे जानते हैं, स्मॉल जी में क्वेश्चन आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रेडियस चेंज होता है तो क्या होता है, ऐसे सब क्वेश्चन करके जाइए, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को। थैंक यू वेरी मच।